अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज मैं अपने कमेंट्स पढ़ रही थी और रिसेंटली आज ही मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ जिसमें ये बेसिकली मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम सर्बिक जी के साथ इंश्योर को इंटेक कर सकते हैं। इन्होंने अपनी एज भी बताई है, 20 के लगभग इनकी एज है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि जी सर्बिक जी के साथ अगर हम इंश्योर लेना चाहें तो क्या हम उसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी इस बारे में बात करेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट कि इधर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अच्छा जी, तो सबसे पहले इंश्योर की बात कर लेते हैं कि इंश्योर लेने के क्या फ़ायदे हैं और उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। इंश्योर एक बहुत अच्छा मिल्क सप्लीमेंट है और इसके अंदर तमाम वो इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन्स मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज ये उन मरीजों में भी दिए जाते हैं जो कि आमतौर पर फूड इनटेक डाइट प्रॉपरली नहीं से सही से नहीं ले सकते। तो उनको रिकमेंड करते हैं कि जी और कुछ ना से आप इंश्योर ले लें क्योंकि वो एक तमाम गज़ा है, उसमें यू नो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, सर्बिक जी और साथ में इंश्योर डेफिनेटली दोनों चीज़ों को लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली एक ये चीज़ है वो ये है कि टाइमिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने सर्बिक जी के साथ जो है वो अपना इंश्योर साथ में नहीं लेना। अच्छा, क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि सर्बिक जी को हमने लेने से अवॉइड करना है तमाम किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, यानी कि दूध हो गया, दही, चाय, जितने भी टी सप्लीमेंट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को साथ लेने से हमने अवॉइड करना है कि हम सर्बिक जी को मत लें। तो इंश्योर खुद जैसे कि एक मिल्क सप्लीमेंट है तो इसलिए ज़रूरी है कि इन दोनों चीज़ों को अगर आपने लेना है तो टाइम का डिफरेंस रखें। मॉर्निंग टाइम में सबसे ज़्यादा सुटेबल है कि आप सर्बिक जी ले लें नाश्ते के टाइम पानी के साथ, और इसके अलावा रात के टाइम आप सोने से पहले जो है वो इंश्योर ले सकते हैं। तो उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा कि बनाने का तरीका क्या है और सोने से पहले आप जो है वो उसको इजली दे सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हम जेंसल की जो मेडिसिन आती है न्यूट्रीफैक्टरी कंपनी की, वो और सर्बिक जी जो है वो साथ में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इसके बारे में ये है कि बेसिकली जेंसल की जो मल्टीविटामिन आती है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है और साथ में कोलेजन है और बायोटिन है, जबकि हम सर्बिक जी की जब बात करते हैं तो उसमें तमाम तरह के विटामिन हैं, B1, B2, B6, B12, ये सारे मौजूद हैं। तो इन दोनों को एक साथ लेने के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि जी हम इन दोनों को आइदर एक साथ इनटेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इन दोनों मेडिसिन को एक साथ मत लें, क्योंकि ये दोनों मल्टीविटामिन जो है वो प्रॉपर मल्टीविटामिन हैं, इनके अंदर की जो कॉम्पोजिशन है और जो चीज़ें मौजूद हैं वो इनफ हैं कि अगर या तो आप सर्बिक जी ले लें अगर आपको वो सूट करती है तो उसके साथ किसी भी किस्म की और तरह की मल्टीविटामिन लेने की नीड नहीं है। क्योंकि सर्बिक जी को समझने की बात है कि उसमें विटामिन सी 500 मौजूद है, 500 mg, ठीक है, और जबकि जब हम बात करते हैं अपना दूसरी मल्टीविटामिन की जो कि न्यूट्रीफैक्टर की है उसमें सिर्फ 20 mg मौजूद है। उसमें एक बहुत अच्छी तादाद में 1000 mg के ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो कोलेजन और बायोटिन मौजूद है। तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के हवाले से, अगर तो आप इन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं। जैसे कि हम ये जरूर डिस्कस करते हैं कि कोई भी मल्टीविटामिन लेने से पहले ये जरूर देखें कि इधर आप उसको किस लिए ले रहे हैं। अगर तो सिर्फ आप एक जर्नली मल्टीविटामिन लेना चाहते हैं कि जी आपको ताकत अच्छी सी मिले, और अगर आप खाना थोड़ा सा ऊपर नीचे भी खाते हैं तो आपके मल्टीविटामिन से वो तमाम कमियाँ जो है वो पूरी हो जाएं, अगर आप इस पर्पज से ले रहे हैं तो जनरली सर्बिक जी इज अ वेरी गुड मल्टीविटामिन इफ आपको वो सूट करती है तो। लेकिन अगर आप किसी पर्पस के हवाले से ले रहे हैं, अगर आपके बालों का बहुत ज्यादा डैमेज होता है, वो गिरते हैं, हेयर फॉल है, स्किन नहीं अच्छी, नेल्स की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप कोलेजन, बायोटिन, इस तरह की जो है वो कॉम्पोनेंट जिस मल्टीविटामिन में मौजूद हैं उसको इनटेक करें। बट अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेक बोथ मल्टीविटामिन एट द सेम टाइम। इससे लेने से क्या होगा कि ओवरडोजेज हो जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी में इन तमाम चीजों की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो आपके लिए नुकसानदेह है। सो होपफुली आपको आपके सवाल का जवाब प्रॉपरली मिल गया होगा कि इन दोनों को एक साथ मत यूज करें, एक मल्टीविटामिन लें और उसी का फायदा देखें कि आइदर वो आपको सूट करती है कि नहीं करती। नहीं करती तो फिर स्विच करें दूसरी किसी और किस्म की मल्टीविटामिन। तो ये दो तरह के सवाल थे जो मुझे रिसीव हुए थे रिसेंटली, सो आई थॉट कि इस पे वीडियो बना लूं और उनके जवाब दे दूं। होपफुली आपको इनके जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।